न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। और अब बात करते हैं सिंगरौली की, जहां भाजपा के गढ़ में आपकी रानी अग्रवाल ने जीत का सहर आपने सर बांध लिया और भाजपा को करारी शिकस्त देते हुए 9,353 वोटों से जीत दर्ज की। आप प्रत्याशी रानी अग्रवाल को कुल 34,585 वोट मिले, जबकि भाजपा के प्रत्याशी चंद्र प्रताप को 25,233 वोट मिले। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद सिंह चंदेल 25,031 वोट के साथ सिमट कर रह गए, तो बसपा के पंचरूप शाह को 12,500 वोट ही हासिल हो सके। नगर निगम पार्षदों में भाजपा की बंपर जीत हुई है, जिसमें कांग्रेस के 23 पार्षद रिपीट नगर निगम पार्षदों में भाजपा की बंपर जीत हुई है जिसमें 23 पार्षद कांग्रेस के 13 पार्षद आपके 6 पार्षद बीएसपी के 1 तो वहीं निर्दलीय 2 पार्षदों के साथ कुल 45 वार्ड पार्षद चुने गए। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। आम आदमी पार्टी का एक ऐतिहासिक जीत की तरफ आम आदमी पहुंची है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने विश्वास दिखा और इतने अंतकाल के पश्चात उन्होंने जो बदलाव कर दिया मौका, और ये पूरा श्रेय जनता को जाएगा। बीजेपी के गढ़ में आपने सेन मारा, क्या सोचते हैं? आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी को, जो हमारे सीएम हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने जनता की मांग को स्वीकार करके जो यहाँ पे आया और जनता को विश्वास था कि दिल्ली के आधार पर काम होगा और जनता का ही पूरा सहयोग। कहा जा रहा है कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी सिंगरौली पहुँचे थे उसी दिन से हवा बदल गई थी, कहीं ना कहीं आपके तरफ रुझान बढ़ गया था। जनता को भरोसा था जो दिल्ली में काम हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है, वही इस आधार पर नगर निगम के अंतर्गत भी होता हूँ। अच्छा, शॉर्ट कट में आपसे जाना चाहता हूँ, अब आपकी क्या प्राथमिकता होगी? अब आप महापौर लगभग सुनी गई है, जैसा कि हमारी घोषणा पत्र में पूरे दिए हुए 25 इसी के आधार पर काम होगा और जो नगर निगम के अंतर्गत पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जनता का एक एक काम कर सकूँ, चाहे रोड बिजली नाली की व्यवस्था हो, चाहे रोजगार की व्यवस्था नगर निगम के अंतर्गत आएंगे और जो भ्रष्टाचार पर और जो भी हमारी सरकारी योजनाएं की जो भी होंगी हमारी जनता के उनको पहुँचाऊंगी। क्या मानती हैं, भ्रष्टाचार को रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी नगर निगम में? कोई बात नहीं, हो दिल्ली में करके दिखाए, यहाँ पे भी जरूर अंकुश लगेगा। ओके, धन्यवाद रानी अग्रवाल जी आपकी जीत पे। आप क्या देखती हैं?